फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियोस में उसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो आज एक नंबर सिस्टम का एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। तो चलिए डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी मतलब किसी नंबर की डिविजिबिलिटी, मींस वो नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो आज कुछ आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा डायरेक्ट ये नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हम लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64। इस टाइप के नंबर की डिविजिबिलिटी सेम तरह से हम देखते हैं, इसलिए मैंने इन नंबर्स को एक साथ लिखा है। तो देखिए, आइए देखते हैं 2 का पता है आपको, या तो लास्ट डिजिट इवन हो हम ऐसे देख सकते हैं, और या लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो। लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो, ये पूरा जो सीरीज है इन सब में चलती जाएगी। लास्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, ओनली दिस। या तो हमारी लास्ट डिजिट इवन हो, या हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड है। अब देखिए, जैसे 4 इवन है, यहां से देखिए 4 2 से डिवाइड है, तो दिस नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड दिस इज ऑड। पीछे 5 आ रहा है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऐसे हम 2 की देखते बहुत इजी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। 4 का क्या, देखिए बिल्कुल ऐसी सीरीज है, इसमें हम लास्ट डिजिट देखते हैं केवल, डिवाइड यानी। तो 4 में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है। इट मींस ये भी नंबर आपका पूरा डिवाइड होगा, जैसे ये वाला नंबर, ये देखिए। तो 76 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 4 4, तो पूरा ये जा रहा है 19 टाइम्स। तो उसका मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड है, हमें पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है नंबर 3 से, नहीं क्योंकि 36 के बाद डायरेक्ट 40 आता है, तो ये वाला नंबर डिवाइड नहीं है। तो मैंने ये लिखा ऐसी है नंबर, आप कोई भी नंबर कोई भी नंबर पर आप लगा सकते हैं। मैंने तो ये एक नंबर पर लगाया, कोई भी नंबर पर लगा लीजिए। अच्छा, तो ये देखिए 2, 4, 8, इसको याद कैसे रखना है, 2 में लास्ट डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट, 8 में लास्ट 3 डिजिट, 16 में लास्ट 4 डिजिट। वैसे वो 16 तक ही पूछता है, ठीक है, 16 तक ही वो पूछता है। अब 8 में क्या हो गया, लास्ट 3 डिजिट, यानी ये आपको देखनी है, ये 3। तो 8 से आप करिए मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 4 टाइम्स चला गया और 8 4 जा 18 32, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड है, पूरा चला गया। ठीक है, अब ये वाला करके देखिए, 8 6 जा 84, और ये 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये नंबर डिवाइड नहीं है आपका। बस आप इतना इजी है। अब देखिए 16 से करिए, 16 से लास्ट 4 डिजिट, ये और ये, 16 से लास्ट 4 डिजिट डिवाइड होंगी। 16 से देखिए, ये वाला डिविजिबल होगा और ये वाला नहीं। आप चाहो तो आप करके देख लेना, ठीक है, आप करके देख लेना, ये वाला नंबर डिवाइड है यानी लास्ट 4 डिजिट का 16 से डिवाइड कर देना। इसी तरह से 32 अगर आ जाए तो लास्ट 5 डिजिट देखते हैं, मतलब अगर यही डिजिट है तो 6 और देख लेंगे हम 32 में, ठीक है। और ये आपका आता है, ये बहुत बड़ी डिजिट हो जाती है 32 और 64, ठीक है। तो 16 तक ही हमारा आता है, फिर भी बाय चांस कुछ कह नहीं सकते एग्जाम में, कॉम्पिटिशन देखते थे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, इसलिए मैंने आपको नंबर एक साथ बताया। अब बात करते हैं 3 और 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में। ये दोनों में एक साथ ही है क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी भी सेम होती है। तो देखिए 3 की सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। अगर जो भी नंबर है उसकी हम डिजिट का सम करते हैं, अगर वो सम निकल के जो आता है वो 3 से डिवाइड हो तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूं, आपको समझ आ जाएगा। इन नंबर का सम कीजिए इसकी डिजिट का, 9 6 9 50 15 5 20 24 26, इसका नंबर क्या आ गया सब निकल के 27, सब निकल के 27 आ गया। इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 27 इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे देखते हैं। अच्छा, अब इसका सम कीजिए 9 और 4 13, ठीक है, 13 और 8 21 21 और 6 27 27 और 5 32 और 36 सॉरी 35 32 और 3 35, तो इस सब का सब निकल के क्या आ रहा है 35। इस 35 इज डिविजिबल बाय 3? नो, ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आपको पूरा ऐसे नंबर देखने की जरूरत नहीं है।
तो इस तरह से होता है। अब 9 पर आ जाइए, 9 पर भी सेम मेथड है, बस इसका जो डिजिट का सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, क्योंकि ये 9 है। सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब इसका जरा सम निकाल लिया, 4 अप टू 6 12 17 17 और 9 26 27 27 डिविजिबल बाय 9, यस। तो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये आपका टाइम सेव करता है कैलकुलेशन से बजाय आप पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम ये रूल्स बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी, एसएससी वगैरह बैंक में जो एग्जाम में आ चुके हैं। जरूर मेरी वीडियो को मिस मत करिएगा, आप देखोगे इनका कितना यूज है, अभी आपको इसका यूज पता नहीं चल रहा है डिविजिबिलिटी का, ओके। और जरूर क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल आ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा अब इसका करिए 10 14 19 20 29। तो ये नंबर नहीं, क्योंकि 29 उसके टेबल में है। अच्छा 3 के लिए तो केवल यही मेथड है, लेकिन 9 के लिए अब ये मेथड ओल्ड हो चुका है। अब हम न्यू मेथड पर आ गए, डिजिटल टर्म सम, जो इससे भी इजी करता है इसकी कैलकुलेशन, डिजिटल सम, ओके। इससे भी इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। कैसे, फिर आप इससे करना पसंद नहीं करेंगे, इससे भी आप कर सकते हो, ये भी राइट है अगर आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं एक और मेथड बता रही हूँ, आप लोग चूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर आजकल हम डिजिटल सम यूज करें। ये डिजिटल सम क्या होता है, हम 9 के पेयर बना बना के ना पूरा नंबर की डिजिट को कट कर देते हैं, और जो भी बचता है वो उसका रिमाइंडर होता है। जो भी बचता है हम डायरेक्ट इससे रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, सबसे ही निकाल सकते हैं, जो भी बचा आप जैसे ही, ठीक है। अब देखिए 4, अब देखिए यहाँ पर पेयर डिजिटल सम समझिए आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जहां भी 9 बनना है ना उसको आप काट दीजिए, जैसे 8 और 1 9, इसको आप काटिए, 7 प्लस 2 9, काटते चलिए मैं बताऊंगी। 6 और 3 9 बनना है। अब देखिए और ये देखिए 5 और 4 भी 9 बनना है, 5 और 4 भी 9 बनना है आपका। ये सब कट गया, हमारे पास क्या बचे, 5 और 3, ठीक है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8, यानी संख्या का डिजिटल सम होगा 8। तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं है। अगर यहाँ पर जो डिजिटल सम आ रहा है या तो वो सब कट जाए 0, या फिर क्या आ रहा हो डिजिटल सम, 9 की टेबल में कोई नंबर आता हो या 9 आ रहा हो तभी वो नंबर डिवाइड है। अगर ये 9 आता टोटल डिजिटल सम कट ही जाता, खैर वो तो ठीक है, या फिर 9 की टेबल में कुछ होता वो आता तो हमारा ये 9 से डिवाइड होता। अभी ये कुछ बच रहा है तो हमारा डिवाइड नहीं है, ये एक तरह से रिमाइंडर ही निकल गया आपका, रिमाइंडर जो बच रहा है आप इसको डिवाइड करके देखिए, आपको यही रिमाइंडर बचेगा। अच्छा अब ऐसे ही ये करिए, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 0 आ गया। इसका मतलब 0 आ गया, ये नंबर पूरा पूरा आपका डिवाइड है 9 से। ये आपको समझ आ गया डिजिटल सम, कुछ नहीं करना, जहां भी 9 के पेयर बनने होते हैं ना वो हम देखते हैं, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, इस तरह से हम देखते हैं। 0 आ जाए या 9 का कोई मल्टीपल आ जाए तो डेट नंबर डिविजिबल बाय 9। और ये देखिए ये इससे भी इजी करता है आपकी कैलकुलेशन, इसलिए हमने ये मेथड सीखा है। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड बहुत नहीं। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करती हूँ, देखिए ये दोनों नंबर मैं लेती हूँ, इसमें देखिए एक और मैं आपको बताऊंगी। अच्छा कुछ 9 है, 9 तो 9 है तो आप काट दीजिए, और देखिए और कुछ इसमें नहीं बनना शायद, 2 से कोई नहीं, 4 नो, 5 और 4 9, ये भी बनना है, ये आपने काट दिया। अब आप कहोगे देखिए 6 और 2 8 और 8 प्लस 1 9, तो ये भी नंबर 9 से डिवाइड हो गया ना, 9 का मैंने कहा था मल्टीपल आ रहा है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, अगर 6 और 2 8 8 प्लस 1 9, ठीक है 0 आए या फिर 9 का मल्टीपल आए, तो ये भी देखिए तो आ गया ना हमारी, और इससे भी इजी कैलकुलेशन हो गई। अच्छा ऐसे ये वाला नंबर भी करिए, 9 9 तो कट गया, 5 और 4 9, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए 7 और 3 10, वही हमारे पास बच रहा है, क्या कर सकते हैं, 7 और 3 10, 10 प्लस 1 11, अब इस 11 का भी हम प्लस कर देंगे,
मतलब जब तक डिजिटल सम निकाल दे जब तक नंबर एक डिजिट में ना आ जाए। अब इसका भी आप प्लस करिए, 1 + 1 = 2, तो ये नंबर तो नहीं होगा डिवाइड। और देखिए यहाँ पर भी यही निकल रहा था, और देखिए साथ साथ इसका रिमाइंडर भी आ गया, साथ साथ इसका रिमाइंडर भी आ जाता है। ठीक है, मतलब इसमें से अगर 2 कम होता ना एड में तो ये 9 से डिवाइड हो जाता, 2 एक्स्ट्रा, मतलब रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, साथ साथ रिमाइंडर दे रहा है। देखिए तो अगर जैसे आप 11 आ गए तो आप 11 करके नहीं छोड़ सकते, इसको भी 1 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट को भी 1 डिजिट में कन्वर्ट करिए, तो जो आंसर आ रहा है आपका उसको भी दोबारा प्लस करिए, दोबारा प्लस करते रहते हैं जब तक कि हमारा 1 डिजिट का नंबर नहीं आ जाता। सपोज आपकी बहुत बड़ी डिजिट है और ये लास्ट में आपका 23 बच गया, तो आप 23 नहीं लिखोगे, आप क्या फिर से प्लस करके 3 और 2 = 5। तो ये आपका डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हो गया। आपको नहीं समझ आ रहा फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं दोबारा बताऊंगी, एक बार खुद ट्राई कीजिए, कुछ नहीं होता। जहां भी आपको 9 9 के पेयर बन रहे हैं आप काट कट कर दीजिए, इसके बाद जो बच रहा है देखिए, 0 होगा तो वो डिवाइड हो गई, और यहाँ से 9 का मल्टीपल होगा तो भी वो डिवाइड होगा, इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो नहीं होगा। और जब अगर 2 डिजिट का सम निकल रहा है तो फिर उसको दोबारा डिजिटल सम से 1 डिजिट पर कन्वर्ट कीजिए, जब तक हमारा 1 डिजिट का सम ना आ जाए हम डिजिटल सम निकालते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने आपको इससे भी करके दिखा दिया। तो उसका डिजिटल सम 11 नहीं होगा, 2 होगा, ये आपकी 3 और 9 की हुई। 5, 25, 25, ये तीनों नंबर एक से होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। वैसे 5 और 25 तक ही आता है, 125 तक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। 5 का सबको पता है लास्ट डिजिट आप देखते थे 0 या 5 हो, है ना, या फिर कह सकते हैं लास्ट डिजिट हमारी 5 से डिविजिबल हो। तो देखिए लास्ट डिजिट 0 5, यानी ये नंबर डिविजिबल है और ये वाला नंबर भी डिविजिबल है, क्योंकि 5 आ रहा है, 1 के पीछे 0 आ रहा है, आप तुरंत पहचान लेते थे, इसमें करने की जरूरत ही नहीं होती थी आपको। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पर मैं 2 लिख देती तो फिर ये नहीं होता, 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है, या कह सकते हैं लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल हो। अच्छा 25 में क्या होता है, अब देखिए 5 में लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल हो और इसमें लास्ट 2 डिजिट आपकी 25 से डिविजिबल हो, जैसे कि 2 और 4 में पढ़ा था ना, लास्ट डिजिट डिवाइड डिविजिबल बाय 2, 4 में लास्ट 2 डिजिट, 8 में लास्ट 3 डिजिट, 8 से ऐसे इसमें लास्ट 2 डिजिट। अब देखिए 75 25 की टेबल में आता है नंबर डिविजिबल है, और 45 नहीं आता, ये नंबर डिविजिबल नहीं है 25 से। और अगर 125 का आ जाए, नहीं आता, तो क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, जैसे अगर यही नंबर है तो 875 चेक करेंगे और 445 चेक करेंगे, इतना सिंपल था ये। नाउ चेक डिविजिबिलिटी फॉर 11। 11 में क्या होता है, 11 का बहुत यूनिक मेथड है, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सब एक जैसे थोड़े लग रहे थे, इसका बिल्कुल हटके है। ठीक है, अच्छा 11, अभी 7 का आप सोच रहे हो रह गया ना, 7 का मैं आपको भी बताऊंगी, इसको और भी डिफरेंट मेथड, इस पहले 11 का सीखो, 7 में भी 11 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 डिविजिबल बाय 11। मैं करके दिखाती हूँ क्या कह रहा है इसमें, पहले हम इवन डिजिट का सम कर लेंगे, फिर इवन डिजिट मतलब जो इसके इवन प्लेस पर है उन डिजिट का सम कर लेंगे, और फिर जो ऑड प्लेस पर है उन डिजिट का सम कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो 0 है या 11 से डिविजिबल है तो आपका डिविजिबिलिटी है 11 से, वरना नहीं। कैसे, देखिए ये देखिए ऑड प्लेसेस कौन सी हो गई, ये 1 नंबर पे हो गई, ये 3rd नंबर पे हो गई, 5th नंबर, ये होती है ऑल्टरनेट प्लेसेस जिसे आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप तो वो डायरेक्ट करोगे, मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, समझ लेते हैं, 2 4 5 1, यानी 2 + 4 + 5 + 1, और इवन प्लेस पर आपकी कौन सी हो गई, ये वाली जो बची है 9 + 3 + 4 + 7। अब इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 9 4 2 6 11, 4 2 6 6 5 11 और 12, और इसका सम क्या आएगा, 9 और 3 12 12 + 4 16, ठीक है, और 16 और 17 23। अच्छा अब आपको किसमें से क्या माइनस करना है, जो बड़े में से छोटा, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है,
तो बड़े में से आप छोटा माइनस करिए, ठीक है, 23 में से 11, 12, तो क्या आ जाएगा 11, इसका डिफरेंस 11 आ गया, यानी दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, सिंपल, ठीक है। चलिए एक और से समझाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए इसमें से ऑड प्लेस, ये ऐसे कर लीजिए, इन सबका सम 5 + 4 + 3 + 2 और इसके बाद 7 + 6 + 8 + 2 9 13 14 ये 3 है 14 13 और 8 कितना हो गया 21 और 23 में से 14 माइनस कर दी, इज 9 इज डिविजिबल बाय 11, नो, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बट दिस इज डिविजिबल बाय 11, ये आपकी डिविजिबिलिटी हो गई 11। अब हम देखते हैं 7 और 13, मैंने ये नंबर एक साथ लिखे हैं क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी का तरीका निकालने का सी सेम होता है, तो 7 की आप देख लीजिए, 13 की आपको अपने आप आ गई। इसमें आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, 3 डिजिट का पेयर बनाइए और मेथड लगाइए 11 का, कैसे, अब आप ये समझिए, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है कैसे, 3 डिजिट का लास्ट से पेयर बनाते जाना है, यानी ये 3 डिजिट का एक प्रे, अभी आप यही बस यही सुनिए, अब ये 3 डिजिट का, अब ये तो एक बची, तो उसके आगे अगर हम 0 लगा लें, 0 का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे पेयर बना लीजिए, ऑल्टरनेट मेथड ऑफ, अब ये पेयर बना लिया, अब यहाँ क्या लिख रहा है, अब 11 का मेथड कैसे लगेगा, 11 का क्या मेथड, अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया है, और प्लेसेस पर जो डिजिट होती थी उन सबका सम, और इवन प्लेसेस पर जो डिजिट होती थी उन सबका सम, और दोनों को हम माइनस कर देते थे, डिफरेंस निकाल देते थे, फिर चेक करते थे, सेम ऐसी आपको करना है, जो ऑड पेयर है और जो इवन पेयर है उनको अलग अलग प्लस करें। ऑड पेयर कौन से हैं, पहले ये 1 प्लेस पर ये 3 थर्ड पेयर, तो ये दोनों ऑड पेयर होगा, यानी 4 + 7 = 92, ये ऑड पेयर होगा, इनको आप प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 796। अच्छा अब इवन पेयर 537 एक ही है तो जरूरत नहीं है, तो ये दो पेयर आ रहे हमारे, जैसे वहां पर सम आते थे डिजिट के, और बड़े में से छोटा माइनस कर, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 का इसमें कर दीजिए, ठीक है, आपके लिए इजी हो गया ना, और 37 टाइम्स ये जा रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। 7 डब में ज्यादा मेथड, 11 में जो लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन पेयर उसमें एक एक्स्ट्रा काम और भर जाता है, फिर आप देखिए ये इवन प्लेस पर हो गया, ये ऑड प्लेस का पेयर हो गया, तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, पेयर हमने बना लिए, बस इसको पेयर बनाना रहता है और इसको कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, दो ही पेयर बनने हैं, 6 डिजिट का नंबर, तो 91 is divisible by 7, yes, 91 तो 7 से divisible है, इसका मतलब this number is also divisible by 7, अगर 7 का हो गया। अच्छा अगर आप 13 से पूछ रहे, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनमें से कौन कौन से नंबर दोनों से divisible है 7 और 13 से, तो देखिए 13 का भी सेम कॉन्सेप्ट है, 13 का मैं इधर बता रही हूँ आपको, ये मैंने नंबर लिख लिया, पेयर बनाइए 3 के, 4 5 3 7, एक और 7 है, पेयर बनाइए 3 के, सेम कॉन्सेप्ट बना लिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस 259 आ जाएगा, इवन प्लेस के पेयर का और ऑड प्लेस के पेयर का, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां तक आपको बिल्कुल सेम रहेगा, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसमें 7 से देखते थे, इसमें आप 13 से देख लीजिए, अब ये वाला देख लीजिए, इसका 91 बचा था, 91 तो आता है, तो ये नंबर दोनों में डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 13 बोथ, तो इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से आप देखोगे। अच्छा ये सब आपके नंबर्स की डिविजिबिलिटी हो गई, आप कुछ ऐसे नंबर्स देखिए जो किसी के डिविजिबिलिटी से बनते हैं, उनकी खुद की कोई अलग से डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे 6 12 15 14 कैसे होते हैं, 6 अगर हमें 6 की डिविजिबिलिटी निकालने को बोले तो हम क्या देखेंगे, हम उसके फैक्टर देखेंगे, अगर वो फैक्टर 6 से डिविजिबल है दोनों, तो नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा, कैसे, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 2 और 3, सपोज कोई भी नंबर, अच्छा यहाँ पर 24 है, तो हम देखेंगे क्या 22 इज डिविजिबल बाय, है ना, बहुत बड़ा होगा, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, 24 डिविजिबल है 2 से, यस,
थ्री से डिविजिबल है, यस, तो ये नंबर भी सिक्स से डिविजिबल होगा अगर ये इन दोनों से डिविजिबल है। अगर दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 20, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इट मीन्स दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6, दोनों से होना चाहिए। लेकिन ये फैक्टर कैसे बनाने और कैसे होने चाहिए, दीज फैक्टर्स मस्ट बी कोप्राइम। कैसे, जैसे 12 के फैक्टर आप बोलते हो मैं 6 और 2 भी बना सकती हूँ और मैं 3 और 4 भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं कौन से वाले लूंगी, मैं 6 और 2 नहीं लूंगी बिकॉज दीज आर नॉट कोप्राइम। इनमें से कोई, और कोप्राइम कौन से होते हैं, जिनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, लेकिन इसमें से 2 कॉमन है, तो ये वाला मेरा पेयर नहीं बनेगा। आपको हमेशा कोप्राइम फैक्टर बनाने, जो कुछ भी दोनों फैक्टर में से एक दूसरे में कॉमन ना आए, 3 और 4। तो कोई भी नंबर मैंने सपोज ले लिया 36, क्या ये 3 से डिविजिबल है, यस, ठीक है, 6 और 3 9, और 4 से डिविजिबल है, यस, तो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 12। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लेती 21, दिस नंबर डिविजिबल बाय 3, यस, बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नो, तो दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 12। तो ऐसे नंबर जिनकी खुद की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती, तो उनके हम कोप्राइम फैक्टर निकालते हैं, और वो दोनों फैक्टर से हम देखते हैं अगर उन दोनों फैक्टर में वो जा रहा है तो वो नंबर में भी वो जाएगा पूरा पूरा डिविजन। 15 का 3 और 5 बना सकते हो, 14 का 2 और 7, तो 2 से और 7 दोनों से होना चाहिए, 3 और 5 से होना चाहिए। तो यहाँ जस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट समझा रही थी, क्वेश्चन में आपका बहुत यूज है इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गए होंगे कुछ ऐसे नंबर जिनके कोप्राइम फैक्टर निकालते हैं, खुद की डिविजिबिलिटी शो नहीं करते, यूनिक कुछ नंबर है जो ही खुद की करते हैं। अच्छा, आप एक और कॉन्सेप्ट अभी आपको शायद यहाँ, लेकिन आपका एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी, SSC में आता है ये, देखिए। अगर आपकी, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी छोड़िए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ अ डिजिट इज रिपीटेड 6 times इन अ नंबर, अगर एक ही डिजिट 6 times रिपीट हो रही है नंबर में, एक ही डिजिट नंबर है कोई, कितने भी डिजिट का, उसमें लगातार 6 times एक ही डिजिट रिपीट हो गई है, तो वो नंबर हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से डिविजिबल होगा, या फिर उनके मल्टीपल भी डिविजिबल होंगे। कैसे, आप देखिए, सिर्फ आप नंबर सोचिए, कैसे, आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर उससे पूछे ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, हाँ, 3 से हाँ, 11 से हाँ, 13 से हाँ, 37 से हाँ, क्योंकि एक ही 3 नंबर 6 times तक रिपीट हो रहा है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इन सबके लिए इसका रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर 0। ये बात आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। अच्छा, अब ये वाला देखिए, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, सिर्फ आप लास्ट वाले का रिमाइंडर निकालिए, लास्ट वाली 2 digit का इनसे डिवाइड करके देखिए, जिससे भी पूछ रहा है वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यहां तक हमको पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी नंबर है और उसकी एक ही डिजिट 6 बार लिखी गई है तो वो नंबर इन सबसे डिवाइड होगा, 3, 7, 11, 13 एंड 37, वो नंबर इस सबसे डिवाइड होगा। इसका एग्जांपल भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगी, जो पूछा गया, ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिवाइड होगा, बस आप इसमें से निकाल सकते हैं। 7 से करना है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, 11 से करना है कितना रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और अगर नहीं भी बच रहा, हो सकता है पूरा हो, तो आपको पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे 11 है, सिर्फ ये करिए 33 जाता है, यस, तो ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि यहां तक तो हो ही गया 0 रिमाइंडर आकर, ठीक है। अगर कोई भी डिजिट रिपीट है, कोई भी डिजिट, तो कैसा लगा मेरा डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कोई भी आप डाउट है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दे रखी है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पर ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी, तो डोंट स्किप माय वीडियो, ओके। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगी, जिससे आप जल्द से जल्दी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सॉल्व कर सके। And we'll meet you next session. Till then, bye bye and take care. And don't forget to subscribe my channel.